दरभंगा में हुआ ऑनर क्लीनिंग। बेटी की प्रेम प्रसंग से नाराज परिजनों ने युवती की गला रेत कर दी निर्मम हत्या। दरभंगा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत आजम नगर मोहल्ला फूल वाली गली के पास युवती के प्रेम प्रसंग से नाराज परिजनों ने युवती की निर्मम हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार परिजनों ने युवती की गला रेत कर हत्या कर दिया। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल यह घटना आजम नगर मोहल्ला स्थित लुच्चीबाड़ा मोहल्ले का है। जानकारी दिया जा रहा है कि परिजनों ने युवती की गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं युवती की हत्या करने के बाद परिजनों ने घर में ताला मारकर मौके से फरार हो गया। वहीं मामले की गुप्त सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घर का ताला तोड़कर सबको बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने युवती की सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DMCH अस्पताल भेज दिया है। आजम नगर स्थित लुच्चीबाड़ा मोहल्ला निवासी सूरज महतो की पुत्री अर्चना कुमारी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात की जानकारी युवती के परिजनों को जब चला, परिजनों ने इस बात का विरोध किया एवं युवती के साथ मारपीट करते हुए तेज धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या कर परिवार के सभी सदस्य घर से बाहर फरार हो गए। वहीं मारपीट के बाद घर में ताला बंद देख आसपास के लोगों को अनहोनी का शंका हुआ, जिसके बाद इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंचे सदर SDPO अमित कुमार ने कहा कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत आजम नगर लुच्चीबाड़ा स्थित एक मकान में युवती का शव हत्या कर छुपाया गया है। हत्यारे द्वारा अंधेरा होने का इंतजार किया जा रहा था। इसके बाद सबको ठिकाने लगाने की योजना बनाई जा रही थी। सूचना मिलते ही थाना दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची तो घर में कोई नहीं था। आसपास के घर में भी ताला लगा हुआ था। घर के अंदर जाकर जब तलाशी ली गई तो एक लाश मिली, जिसकी उम्र लगभग 15 से 16 साल की है। मौके से कुछ सुराग भी मिले हैं। हथियारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बेटा बेटी तीन क्लास में पढ़े कौन क्लास में पढ़े छे पता ना दसवां से ऊपर है हत्या के पीछे कुछ लगे कुछ अच्छा चले लड़की जाए चले आगे चले कुछ प्यार प्रसंग का मामला कुछ मालूम नहीं के पेट बच्चा परिवार वाला सब कहाँ ताला मार पता नहीं हम सब ना किसी को लड़की को आज देखे थे लड़की के पिताजी कहाँ है वो तो नेपाल में भौरी करते कितने भाई बहन है लड़की कितना भाई बहन है सबसे छोटी है ठीक है ना एक बहन एक भाई से की नाम है लड़की के उम्र कितने होते एक हमारा नहीं पता अंदाज नहीं मालूम है कहाँ पढ़ने जाती थी कुछ आइडिया नहीं है कॉलेज में पढ़े चले किस कॉलेज आप लोगों को कब पता चला कि इसकी हत्या हो गई है हमारा सबके पता कुछ नहीं था हम सब हॉस्पिटल में थे अभी देखे थोड़ा देर में कि सुन सब पटा है ऐसा पूछताछ कर रहा है तब हमारा सबके मालूम हमारा सबको कुछ पता नहीं क्या पता क्या चला है अभी तो हम सब देखे तो आए ऊपर से देख लो तो सब गए ऊपर से हम सबको लेकर चले ले है सर पूरा मामला ये है कि अभी गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि यूनिवर्सिटी थाना अंतर्गत लुच्चीबाड़ा में वार्ड नंबर 5 के अंतर्गत एक गली में एक मकान है जिसमें कि एक युवती को हत्या कर उसके लाश को छुपाया गया है और जो हत्यारे हैं जो एक्यूज्ड हैं उनको द्वारा लाश को अंधेरा होने के पश्चात हटाए जाने की मंशा बनाई जा रही है। सूचना मिलते ही तत्काल थाने को सूचित किया गया। थाने की टीम दलबल के साथ पहुँची घटनास्थल में भी पहुँचा घर में एंटर किया गया घर में कोई नहीं था आसपास के घरों में भी ताला लगा हुआ था। अंदर जाकर खोजबीन करने पर एक लाश मिली जिससे गर्दन काट के मारा गया है। युवती की लाश है 15-16 साल की लगभग उम्र बताई जा रही है। देख के वैसा ही प्रतीत हो रहा है। कुछ सुराग मिले हैं हत्यारों को जल्द गिरफ्त में लेने के लिए छापेमारी की जा रही है। सर हत्या में आया देखिए अभी तक तो जितना बतलाया गया है जो समझ में आया कुछ ऑनर किलिंग का मामला लग रहा है लेकिन ये उनकी गिरफ्तारी के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। कोई गिरफ्तारी सर हुई है आसपास के लोग कुछ भी बताने से कतरा रहे हैं कुछ भी बताया नहीं जा रहा है अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई।